अस्सलाम वालेकुम। और ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स की इंडेक्स पूछ रहा है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए पावर पी इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर पी, डेसिमलिस्ट पी इज कॉल्ड इंडेक्स और डिग्री ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी हम पावर कोई भी ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, मीन्स 2, 3 और 4, अगर उसका स्क्वायर लें मैट्रिक्स का वो 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट है। और जिस पावर के साथ वो 0 होगा वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी, या फिर हम उसे इंडेक्स कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक्सरसाइज का मैंने टॉपिक लिया है 7, फाइंड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है जी, फर्स्ट रो 0, 1, 0, सेकंड रो क्या है 0, 0, 1, थर्ड रो 0, 0। तो अब पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा 0, 1, 0। सेकंड इसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा कि पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 को 0 के साथ 0 प्लस 1 को 0 के साथ 1 प्लस 0 को 0 के साथ 0, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का 0 और फर्स्ट कॉलम का 1, 0 के 1 के साथ 0, यहाँ पर 0 को फर्स्ट रो 0 को 0, 1 को 0 के साथ, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 1 के साथ 0 प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 और यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 को 0 के साथ 1 को 1 के साथ प्लस 1 और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये होगा 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 को 1 के साथ 0, 0 को 0 के साथ 0, 0 को 1 को 0 के साथ, ये क्या होगा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ तो 0 प्लस 0 प्लस 0, अब क्या करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तीनों 0 0 है तो ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड ये 0 है, सब किस सारी की सारी रो 0 है तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखें अगर इसका हम ले लें क्या हो, सब के सब एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो सिंपल इसका यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये क्या आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे, अब इसी मैट्रिक्स को इसका क्यूब लेंगे, मींस ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या होगा कि ए स्क्वायर इनटू ए। अब ए स्क्वायर की जो एलिमेंट मैट्रिक्स है वो ये आंसर जो हमने पहले निकाला है, अब इसी आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए क्या है कि 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब 0 को 1 के साथ बाकी इसके 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ इसके पहले 2 एलिमेंट 0 है और ये 2 एलिमेंट, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 1 को 0 के साथ 0, सेकंड रो 0 है तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 0, थर्ड रो 0 है किसी के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, सब में 0 आंसर आएगा। मींस जो अब इसकी जो टोटल मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, वो नल मैट्रिक्स किसके साथ आई, ए क्यूब के साथ, क्योंकि जब हमने ए स्क्वायर किया तो 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं आई, और फिर हमने क्या किया ए क्यूब फाइंड किया, मींस ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारी मैट्रिक्स क्या आ गई 0। तो अब हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ये हमारी क्या हो गई निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट, और जो इसकी इंडेक्स होगी, इंडेक्स क्या होगी,
वो 3 हो गई। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब लेने से नल मैट्रिक्स हो गई। इंडेक्स या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है।